उसका भी है मेरा भी है फर्क शकीन इतना लेकिन वो पत्थर है जो साबुत है ये शीशा था जो टूट गया सदर साहब कहाँ है भाई हमारे सोना अहमद भाई कहाँ गए? अरे जब इसकी बात चालू हुई तो गायब हो गए। कहाँ गए? कहाँ है सेक्रेटरी साहब? कहाँ है सेक्रेटरी साहब? कहाँ है दोनों सेक्रेटरी साहब? कहाँ है पूरी कमेटी? कहाँ है? जब मैं गिरा लगाऊं अगर समझ में आए तो आखिरी गिरा पर आपको बोलना है मेरे साथ में। अगर समझ में आए तो ईमानदारी से बोलना है और अगर समझ में ना आए तो मुंह पे बोल देना क्योंकि समझ में नहीं आया। ठीक है सुने। खुदा बंदा मोहब्बत में, खुदा बंदा मोहब्बत में, ये क्या दस्तूर होता है, ये क्या दस्तूर होता है, जिसे दिल चाहता है वो हमेशा दूर होता है, जिसे दिल चाहता है वो हमेशा दूर होता है, जिसे दिल चाहता है वो हमेशा दूर होता है। हमारा दिल भी क्या दिल है, मिट्टी का खिलौना है, ये मिट्टी का खिलौना है, जरा सी ठेस लगते ही ये चकना चूर होता है। दिल गया, 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 दिल गया।
उसने दो कदम साथ चल के छोड़ दिया, दो कदम साथ चल के छोड़ दिया। जिंदगानी की राह में उसने, जिंदगानी की राह में उसने दो कदम साथ चल के छोड़ दिया, दो कदम साथ चल के छोड़ दिया। नात शरीफ पढ़ते हैं, मरकबत पढ़ते हैं, तो वो अदब है कलाम नात का और मरकबत का है। अल्लाह का जो जिक्र करते हैं कव्वाल उसका है। अगर कोई किसी कव्वाल का एहतराम करके जाता है मतलब आचू के गया, इसलिए कि उसने अच्छी नात शरीफ सुनाई, उसने अल्लाह का अच्छा जिक्र किया और उसने मरकबत अच्छी सुनाई। लेकिन ये गजल में मेरा हाथ झूमते क्यों गया है, ये मेरी बात समझ में नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन ये जो सब बैठे हैं ना आशिकी में इन सब का गुरु हूं मैं। इसका मतलब
करिए कि दिल गया दिल गया उनके दिल का चमड़े Thank you.